वेलकम टू फ्लेवर्स विद शर्मीन। आज के वीडियो में बनाऊंगी मैं लाल चटनी। लाल चटनी के मल्टीपल यूजेस हैं। आप इसे चाट के साथ सर्व कर सकते हैं, समोसा, पकोड़ा, जिस भी चीज के साथ आप इसे खाना चाहें खा सकते हैं। सिंपल आप इसे दाल चावल और खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस लाल चटनी की ईजी और क्विक रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना लाल चटनी। लाल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 10 कश्मीरी लाल मिर्चें सूखी हुई और 10 नॉर्मल मिर्चें जो हम मसाले में यूज़ करते हैं। इसकी जगह आप छोटी वाली गोल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मिर्चें को हम बड़े बोल में डालेंगे। अब उसमें डालेंगे गरम पानी, इतना कि मिर्ची हमारी अच्छी तरह से डूब जाए। और अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए मिर्ची को सोख होने देंगे। 1 घंटे तक मिर्चों को हमने सोख करके रखा था। अब ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसका पानी फेंकेंगे और ग्राइंडर में निकालेंगे। अब इसमें डालेंगे बाकी की चीजें। 1/2 कप गाढ़ा इमली का पल्प, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून जीरा। अब इसमें जाएगा 1 लहसुन। इस तरह से साफ करके और सारी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को हमने स्मूथ पीस लिया, इसे बोल में खाली करेंगे। आप इस चटनी को स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी लाल चटनी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।